राजा सिंह सर। अध्यक्ष पीवी नरसिम्हा राव जी की शत जयंती मनाने का जो प्रस्ताव मुख्यमंत्री जी ने रखा है, मैं मुख्यमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूं और पीवी नरसिम्हा राव जी को भारत रत्न मिले इसके लिए केंद्र को आपने जो निवेदन किया है स्पीकर के माध्यम से, इसका भी मैं समर्थन करता हूं। वैसे तो पीवी नरसिम्हा राव जी के बारे में बोलने के लिए तो बहुत है, लेकिन समय की पाबंदी है। पीवी नरसिम्हा राव जी भारत के 90वें प्रधानमंत्री थे। उन्होंने 91 से लेकर 96 तक का बहुत ही अच्छा कार्य किया और तेलुगु राज्य से प्रधानमंत्री बन के तेलुगु राज्य का मान सम्मान पीवी नरसिम्हा राव जी ने बढ़ाया है अध्यक्ष। और साथ ही साथ पीवी नरसिम्हा राव जी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने धर्म के प्रति हो, देश के प्रति हो, समाज के प्रति हो, हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, सबको लेकर चलने वाले एक महान प्रधानमंत्री के रूप में वो प्रकाशित हुए अध्यक्ष। साथ ही साथ निजाम के समय पर भी इन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी में वंदे मातरम का नारा लगाकर उस्मानिया यूनिवर्सिटी में उनको सस्पेंड भी किया था। ऐसे देशभक्त, ऐसे एक वीर सैनिक के रूप में उन्होंने एक बहुत अच्छा कार्य किया और एक बहुत अच्छा उन्होंने नाम किया। काश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी से लेकर अयोध्या तक बहुत ही अच्छे काबिले तारीफ के कार्य पीवी नरसिम्हा राव जी ने किए हैं। मैं अध्यक्ष आपको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं जो पीवी नरसिम्हा राव जी के बारे में बोलने का जो अवसर दिया है, और मुख्यमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूं जिन्होंने पीवी नरसिम्हा राव जी की जयंती मनाने का जो प्रस्ताव रखा है और उनको भारत रत्न देने का जो प्रस्ताव रखा है, इसका मैं और मेरी पार्टी की ओर से पूरा समर्थन करता हूं। धन्यवाद।